नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक खुशखबरी बोले या क्या ही बोले, एक बेहतरीन वैकेंसी आप सभी के लिए है। हालांकि वैकेंसी संविदा पे है और आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे किसके बारे में है। ये यूपीएसआरटीसी के बारे में है। यूपीएसआरटीसी की तरफ से वैकेंसी चालक की, यानी कि जो बस ड्राइवर होते हैं, इनकी वैकेंसीज निकली है और पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। 6000 पद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये सीधी भर्ती नहीं है। ये जो भर्ती है ये आपकी किस प्रकार से है, संविदा पे भर्ती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं है। इसमें जो आपकी न्यूनतम अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो भी केवल क्लास 8 है, और जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो 23 से लेकर आपके 40 साल तक है। सबके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूं और सारी बातें डिस्कस करता हूं। अगले 5 मिनट में सब कुछ आप समझ जाएंगे ये क्या है, प्रेस विज्ञप्ति किसकी तरफ से। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अनुबंध के आधार पर समस्त क्षेत्रों डिपो में संविदा चालकों की भर्ती। सबसे बड़ी बात है कि जो चालक है संविदा पे ही क्यों किए जाते हैं, क्यों नहीं इन्हें डायरेक्ट परमानेंट किया जाता है। मुझे एक बात तो समझ में आती है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है कि ठीक है, बेरोजगारी एक बहुत बहुत चरम लेवल पे है और शायद इसका फायदा ही सरकार उठा रही है। क्या अभी जो इलेक्शन हुआ इसमें इन्हें चीजें समझ में नहीं आई कि जो अभ्यर्थी वर्ग है, एक जो रोजगार मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे सामने एक जो सुनहरा अवसर ये बोल रहे हैं, ये कितना हमारे लिए सुनहरा है इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शायद परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे जो शायद कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि उनकी स्कूलिंग इतनी बेहतर नहीं होती है, इतनी बेहतर उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, और वो कंपटीशन में अपने आप को बहुत पीछे समझते हैं, जिससे लगता है कि नहीं भाई, उनके लिए अगर वो एग्जाम होता तो एग्जाम क्वालिफाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता, वो शायद संविदा पे आसानी से हो जाए। तो कुछ किन्हीं लोगों के लिए फायदे की बात है, किन्हीं लोगों के लिए नुकसान की बात है, अगर हम अभ्यर्थी जीवन एक तैयारी करने वाले बच्चों की दृष्टि से देखेंगे तो नो डाउट ये सरकार बहुत गलत कर रही है। और अगर ऐसे छात्र, ऐसे लोगों की नजरिए से देखेंगे जो वाकई में कहीं ना कहीं इधर ड्राइवरी कर रहे हैं, किसी की गाड़ी चला रहे हैं, रोज टेम्पू चला रहे हैं, या कोई भी ट्रक चला रहे हैं या बस चला रहे हैं, और अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, उनके लिए एक बेहतर मौका है कि आप एक सरकारी संस्था से जुड़ के, उत्तर प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन निगम से जुड़ के, आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोनों दृष्टि से हम लोग बात करेंगे, और इसके लिए सबसे पहली बात, आप लोग अहाता समझ लो, अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा है जी, या फिर कोई, कई बार क्या होता है, उम्र 40 बहुत ज्यादा होती है, कई बार हमारे बड़े सीनियर होते हैं, भैया लोग होते हैं, चाचा लोग होते हैं, उनको भी आवश्यकता होती है, उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई अगर 23 साल के ऊपर है और उसके पास सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या होना चाहिए, भारी वाहन चलाने का, अगर आपके पास क्या है, टीवी लाइसेंस, अवधि न्यूनतम 2 वर्ष, कम पिछले 2 साल, 2 साल पहले अगर बन गई हो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। इसमें आवेदन करने के लिए ऐसा कोई शुल्क नहीं है, लेकिन 2000 रुपए आपको फीस जमा करना पड़ता है। ये फीस आपकी रिफंडेबल होती है, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होते हो तो वो फीस आपकी क्या हो जाएगी, 2000 रुपए वापस भी कर दी जाएगी, आपका कोई आर्थिक नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपकी लंबाई कम से कम 5 फुट 3 इंच की होनी चाहिए, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपकी हाइट क्या है, उम्र न्यूनतम 23 वर्ष 6 माह, मतलब कि 23.5 साल से ऊपर का होना चाहिए। जाति के अभ्यर्थियों को आयु सीमा पर निम्नानुसार छूट, इन्होंने देखो उम्र न्यूनतम लिखा है, अधिकतम कुछ नहीं लिखा है। वैसे अगर हम लोग बात करें, कोई सीधी भर्ती होती है तो जो अधिकतम सीमा होती है 40, लेकिन अगर हम यहाँ पे बस ड्राइवर की बात करें तो अधिकतम सीमा पे इन्होंने क्या किया है, कोई भी कैप नहीं लगाया है, बस उम्र न्यूनतम सीमा इन्होंने दिया है। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास होनी चाहिए, और ये ध्यान दीजिएगा, मतलब 8वीं पास हो और साथ में क्या हो, आपके पास जो हैवी मोटर होते हैं, HMV जो होते हैं, उनका लाइसेंस होना चाहिए पिछले 2 साल से, कम से कम का 5 फुट 3 इंच होना चाहिए, और कम से कम जो उम्र होना चाहिए 23 साल, 23 साल आपका क्या होना चाहिए, उम्र न्यूनतम 23 वर्ष 6 माह होना चाहिए, अधिकतम कुछ भी हो सकता है, और जैसे रिलैक्सेशन बाकी का होता है वैसा रिलैक्सेशन होगा ही होगा। इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, तो इन्होंने बोला पॉइंट नंबर 1 में कि 1.89 रुपए, लगभग 1.9 रुपए, या मोटा मोटा 2 रुपए आप जोड़ लो, पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। अब 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से कितना ड्राइवर कमा लेगा, इसको हम बताते हैं। इन्होंने कैप लगाया कि 22 दिन ड्यूटी में 5000 किलोमीटर पूर्ण किए जाने पर 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, मतलब
ये सरकार की तरफ से टारगेट फिक्स किया गया है कि आपको कम से कम 22 दिन में 5000 किलोमीटर चलाना है। तो 5000 किलोमीटर अगर 22 दिन में चलाना है, मैं कह रहा हूं अगर 20 दिन से ले लिया जाए तो अगर हम बटे 20 करेंगे तो 500/2 मतलब 250 किलोमीटर पर डे के हिसाब से ये सरकार ही टारगेट सोच रही है। मतलब न्यूनतम तो आपको 250 किलोमीटर चलाना ही चलाना होगा और एक बस ड्राइवर 400-500 किलोमीटर से कम भी नहीं चलाता 24 घंटे की बात किया जाए, जो उसके ड्यूटी होती है जनरली 8 घंटे से लेकर 10 घंटे या 11 घंटे तक की जो ड्यूटी होती है उस ड्यूटी में 400-500 किलोमीटर से कम नहीं चलाता। और अप्रोक्स में अगर हम लोग 2 रुपए जोड़ लें तो 400-500 के हिसाब से उसका 400 किलोमीटर अगर एक दिन में चलाएगा तो उसको 800 रुपए मिलेगा लगभग, कल 500 किलोमीटर चलाएगा तो लगभग 1000 रुपए मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हो 25,000 से 30,000 तक के बीच की उसे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो कमा ले रहा है। और ये एक बहुत अच्छी खासी, अगर एक सरकारी नौकरी भी होती है तो ये सैलरी जो आती है जो ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल की आती है वो लगभग इनहैंड 28,000-29,000 से स्टार्ट होती है, 30,000-31,000 ऐसे ही आती है। बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब हम 28,000-29,000 वहां पे इनिशियल से कंपेयर करते हैं तो वहां पे DATA तमाम तरीके से क्या होती है वो अलाउंसेस मिलते हैं और उसमें क्या होता है एक एनुअल इंक्रीमेंट लगता रहता है। यहाँ पे कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इन्होंने उसकी तर्ज पे 3,000 प्रोत्साहन राशि, जैसे सपोज करो आप इतना सकते हो तो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ में कोई उत्कृष्ट श्रेणी का है, जैसे ये कि एक ग्रेड होगा, कोई बिना कहीं लड़ाए भिड़ाए कोई बहुत सी अच्छे स्मूथली से चलाता है तो उसे 19,593 रुपए की प्रोत्साहन राशि और दी जाएगी जो किस उत्कृष्ट श्रेणी में आएगा। और अगर कोई उत्तम श्रेणी में आता है तो उसे 16,593 की राशि दी जाती है। अगर कोई दुर्घटना रहित बस संचालन करने पर अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि भी दिया जाता है और इसके साथ साथ 7,500 रुपए का बीमा भी दिया जाता है। तो एक तरीके से सुविधाएं कम नहीं है। एक ऐसे छात्र, एक ऐसे लोग या जो भी जरूरतमंद हैं जो चाहते हैं कि भाई चलो हम एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते, अब आप सोचो एक 45 साल का, एक 40 साल का, एक 38 साल का आदमी जो शायद पढ़ाई आठवीं के बाद से, आठवीं पढ़ाई तो आज आठवीं का मार्कशीट तो कोई भी बनवा लेता है, ऐसा बोल सकते हो एक अनपढ़ ही बोल लो, और उसे अगर 30,000-35,000 एक ठीक है रेपुटेटेड मिलने लगे, उसका 7,500 का बीमा हो जाए, वो एक सरकार की संस्था से जुड़ जाए, उसे प्रोत्साहन राशि मिल जाए, तो इतना बुरा भी नहीं है जितना बुरे नजरिए से हम लोग देखते हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि अगर सरकार इसे परमानेंट कर दे तो वो बात और भी बेहतर होगी, वो बात और भी अच्छी होगी और इसमें ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, अवसर भी मिलेगा और एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा होगी, तो एक बेहतर ड्राइवर, एक बेहतर बोल सकते हो स्टाफ भी उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे संपर्क सूत्र ये, इनसे आप संपर्क कर सकते हो। अब रही बात कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हो, तो आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संविदा चालक के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में अपने नजदीकी कार्य दिवस, मतलब कि वैसे तो UPSRTC वगैरह बंद नहीं रहता लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक आप जाओ अपने नजदीकी परिवहन निगम, आप जो भी आपका डिपो है, बस अड्डा, जहां भी आप, वहां पे जाइए, वहां पे कार्यालय में संपर्क करिए और अपना आवेदन पत्र जमा करिए, वहां से आवेदन पत्र ले लीजिए, आवेदन पत्र भरिए और जमा करिए। जो अभ्यर्थी पूर्ण रूप से उपयुक्त पाए जाएंगे उनसे मात्र 2,000 रुपए, आपका पहले रुपए नहीं ले लिया जाएगा फॉर्म भरते समय, फॉर्म निःशुल्क है। जब आपको स्क्रूटनी होगा लगेगा हाँ भैया आप उपयुक्त हो, आपको दिया जा सकता है, तो आपसे 2,000 रुपए की प्रतिभूति राशि रिफंडेबल जमा कराई जाएगी। ठीक है, अगर नौकरी नहीं मिलती है आपको वापस कर दिया जाएगा, वरना 2,000 रुपए आपको क्या गया जमा किया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, और बाद में रिफंडेबल हो जाएगा। अगर ऐसे चक्कर में कोई आपसे अधिकारी या वहां पे कोई कर्मचारी या कोई सुपरवाइजर आपसे कोई घूस मांगता है तो आप इस पे मेल या ये नंबर इस पे कॉल करके आप बता सकते हो कि घूस मांग रहे, तो इस पे कोई घूस वगैरह भी नहीं चलेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत, इसे बोल सकते हो एक ओपन रूल है, ओपन तरीका है, एक बेहतर तरीका है। लेकिन बस एक मलाल में रह जाता है कि जब इतनी बेरोजगारी है, इतने सारे पद खाली है, तो फिर आप परमानेंट इसे क्यों नहीं कर सकते हो, आप UPSSC क्यों बनाए हो, आप अधीनस्थ क्यों बनाए हो, आप तमाम चयन आयोग, तमाम भर्ती बोर्ड क्यों बनाए हो, जब आपको संविदा पे ही करना है। इसके साथ इस बात को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।